नमस्ते, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आप लोग को स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, सेफ एंड हेल्दी। थोड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, लेकिन यार डरो मत यार, ये कोविड मतलब डर के साथ ना हमारा हेल्थ डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब जितना डरेंगे उतना प्रॉब्लम आ सकता है। जो होगा वो तो होगा ही, वो तो हम टाल नहीं सकते, तो इतना डरना क्यों है। लाइफ जीते जाओ, थोड़ा सा प्रिकॉशन ऑब्वियसली चाहिए रहेगा। और ये वीकेंड तो हम किधर गए नहीं, लॉकडाउन चल रहा है, वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है, तो हम घर पे ही हैं। पहले सोच रहे थे यार ब्लॉग नहीं बनाते हैं, किधर तो जा नहीं रहे हैं, क्या दिखाएं घर, मतलब नॉर्मल लाइफ क्या दिखाएं। बाद में बहुत लोग रिक्वेस्ट किए कि डोंट स्टॉप द ब्लॉग, कीप दोज कमिंग। तो सोचा चलो दिखाई लेते हैं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव भी रहेगा, और कुछ खाना बनाएंगे आज इंटरेस्टिंग सा, वो भी दिखाएंगे आपको। पहले मैं दिखा लेता हूँ हमारा घर, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस क्वेरी सारे, आप घर भी दिखा लो थोड़ा, तो दिखा ही लेते हैं। ये देखो, शुरू करते हैं आयुष्मान से। ऑनलाइन क्लास चल रहा है आयुष्मान का। तो ये हमारा बेडरूम, मास्टर बेडरूम। इधर है टॉयलेट, और ये हॉल है आयुष्मान का ना, क्लास चल रहा है। ये और एक बेडरूम जो कि एज ए ऑफिस में यूज़ करता हूँ, ऑफिस काम के लिए पूरा सेटअप है। और ये छोटा सा बालकनी, बालकनी से बाहर जंगल दिखता है, कंक्रीट वाला। फिर ये कॉमन एरिया, एक कॉमन बाथरूम, और ये एक और एक मास्टर बेडरूम है। इधर एक रेस्ट रूम है, और ये इंटीग्रेटेड किचन हॉल के साथ। घर में मैं कोई भी काम नहीं किया, कोई इंटीरियर नहीं किया। आप लोगों को तो पता है, इतना सारा घूमते रहते हैं कि पैसा बचता ही नहीं है, क्या करें। 9 साल पहले, कब, 2013 में लिए थे, 2013 में घर लिए थे, तब से कुछ इंटीरियर नहीं किए। सब ऐसे ही रेडीमेड, टीवी स्टैंड, क्या बोलते हैं वो जो बेडरूम में आप लोगों ने देखा, कपबोर्ड, ये सब रेडीमेड लाके रख दिया। पैसा रहेगा तो करेंगे, मुझे नहीं लगता कर पाएंगे जितना घूम रहे। घर तो देख लिया आप लोगों ने। कोई कोई ना ऐसा कमेंट आता है कि ये बॉर्न रिच है, मतलब ऑलरेडी पैसा हमारा जो बोलता है ना, परदादा दादा से वो टाइम से है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। एक लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मेरा। 20-21 साल पहले जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, तभी भगवान से हम यही दुआ करते थे कि वो जो हमारा छत था ना, उड़ ना जाए। क्योंकि एक छोटा सा 200 स्क्वायर फीट वाला टिन वाला घर में हम रहे थे, वो भी रेंटेड, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे इतने बड़े घर में रहने के लिए। और जो हमारा ओरिजिनल घर था वो गाँव में बहुत छोटा सा, वो भी टूटा सा ही था। और स्टडी के लिए हमको थोड़ा सा टाउन में आना पड़ा। और वैसा एक सिचुएशन था कि अगर उड़ जाता उस टाइम रात को तो क्या होता हमारा। वो टाइम पे ना ऐसा दिमाग में आया, यार घर तो छत वाला होना चाहिए, बोलता ना एक विश आ जाता है मन में। और वो कोई भी आपका वैसा विश हो जो कि दिल से आए और उसके ऊपर आप काम करने लग गए, तो यार यूनिवर्स ना आपको वो दे ही देती है, सब अरेंज कर देती है। अब अगर मैं रिविंड करके लाइफ को देखूं तो सारे चीज़ परफेक्टली हुआ। मतलब जो बुरा टाइम था वो भी परफेक्ट था, अच्छा टाइम वो भी परफेक्ट था, सारे चीज़ परफेक्ट टाइम में ही हुआ है। जो जो बुरा हुआ मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों हुआ, लेकिन वो भी ज़रूरी था, क्योंकि वो ही सिचुएशन से तो कुछ सीखने को मिला। और वही हुई सिचुएशन आने के बाद तो हमारा एक विश आया, इंटरनल विश जागृत हुआ मन से कि हाँ ये चाहिए लाइफ में। तो ये भगवान तो देते ही रहते हैं, मतलब जो विश आप करोगे मन से, दिल से जो आता है वो तो पूरा हो ही जाता है। लेकिन ये प्रोसेस में, वो जो मिलने की प्रोसेस में, यूनिवर्स और एक मैसेज देने की भी कोशिश करता है कि जो चीज़ भी आपको लाइफ में सारे चीज़ चाहिए, क्या ये सच में यही एंड है, एंड रिजल्ट है? क्यों हम ये इसके पीछे भागते रहते हैं? सक्सेस जो वर्ड है, सक्सेस क्या यह चीज़ है कि हम एक जगह पे पहुंच जाए फिर हो गया,
आप अगर देखोगे खुद के लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब जो चीज़ आप चाह रहे थे वो मिल गया, फिर भी दूसरा तीसरा चौथा ऐसा चलता जाएगा। तो ये प्रोसेस है, हमको ये भी समझ में आया कि लाइफ में ना सिर्फ पैसा कमा के ये सब एसेट जमा करना सिर्फ ये नहीं है, लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसा लाइफ पसंद है वैसा जीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, सब कुछ अचीव कर लेंगे, लेकिन जब देखेंगे बैक करके लाइफ को, अरे लाइफ में सिर्फ पैसा ही कमाया बाकी तो जिया ही नहीं लाइफ, ऐसा फील आएगा। तो आपको जो पसंद है, दिल से जो पसंद है, दिल से जो आवाज़ आ रहा है, उसको जीने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये प्रोसेस में हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है। अगर आप खुद के लाइफ जो ऑलरेडी है उसके ऊपर खुश नहीं हो, तो फिर आगे मिलेगा नहीं मिलेगा या कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप खुश ही नहीं हो आपके खुद के लाइफ पे। तो ये थोड़ा सा फिलोसफी, मतलब मेरा जो लाइफ एक्सपीरियंस, सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, शायद एक दो को भी थोड़ा हेल्प हो जाए या समझ में आ जाए या थोड़ा रिलैक्स लगे तो अच्छा है। आज ना एक बढ़िया सा खाना बनाते हैं, मतलब बिना खाना बनाने का तो मतलब हमारे चैनल में कुछ मतलब ही नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग सा खाना, उड़ीसा का ऑथेंटिक खाना बनाएंगे, बोलते हैं उसको कांजी। उड़ीसा का जो फार्मर्स है वो जब भी मतलब खेत से आते हैं, इतना गर्मी रहता है, कुछ ना कुछ खट्टा वाला चीज़ चाहिए रहता है। तो हमारा दो सिग्नेचर डिश के, वैसा बहुत सारा है लेकिन जो पॉपुलर है, एक पखाड़ फर्मेंटेड राइस, वो दूसरा दिन बनाएंगे, आज बनाएंगे कांजी। वो सारे वेजिटेबल्स में खट्टापन लाके एक यूनिक तरीके से बनता है, चलो वो दिखाते हैं आपको। तो बाकी का एक्सप्लेन करेगी मानी। हाँ, क्या क्या है, क्या क्या चाहिए? कांजी, आज बन रही है हमारा कांजी। जैसे साउथ में बिस्मिल्ला भात होता है ना, वैसा ही है। हाँ, बिस्मिल्ला बात में तो मसाला वसाला डाल हाँ, देना, इसमें डालते हैं मसाला इसमें कुछ नहीं मसाला, है। सिर्फ हल्दी और नमक। हाँ, हल्दी और नमक से होता है। तो ये सारे वेजिटेबल हमारा यूज होता है। अच्छा, यही एक चीज रेसिपी है जिसमें आलू नहीं डालते। आलू नहीं डाल देंगे। करेक्ट है, करेक्ट है, नहीं तो हमारे सारे सब्जी में आलू आलू डलती ही डलती डालते है। हैं, लेकिन ये सब्जी में आलू ही नहीं, और सब वेजिटेबल डाल सकते हैं आप। हाँ, ये ना बैंगन, कद्दू, कद्दू, भिंडी, हाँ, मूली, और ये ये वाला गंठ गोभी या पता नहीं नॉलखोल ऐसा कुछ बोलते हैं, ये और ये आरो। आरवी, आरवी। इसका ना एक फोटो देता हूँ वेजिटेबल का, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है हमारा, उड़िया में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में। तो इसका ये वाला जो वेजिटेबल्स है ना, ये सारे वेजिटेबल हमने यूज़ किया जो फोटो में दिख रहा है आपको। तो आज हम इसमें बना रहे हैं मिट्टी वाला बर्तन से, और ये पहले ये डाला जाता है, ये ये राइस राइस वाटर, जब वाटर तो है। कुक्ड राइस वाटर है ना, इसको हाँ, स्टोर करके रखते हैं और इसको डालते हैं। ये जितना है और इसमें इतना ही पानी डलेगा, हाँ, मतलब सेम सेम। अमाउंट। हाँ, कुक्ड राइस वाटर, पेजो बोलते हैं हम उड़िया में, और जनरली फर्मेंटेड वाला यूज़ होता है, लेकिन हम, गोदानी हाँ, गोदानी में ना। फर्मेंटेड वाला ऑलरेडी खट्टा होता है, तो खट्टापन लाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम फ्रेश वाला यूज़ करते हैं राइस वाटर, इसलिए खट्टापन लाने के लिए इसमें टमाटर डलेगी और ड्राई मैंगो। आपको लग रहा होगा गैस छोड़ के हम इसमें क्यों बना रहे हैं छोटा सा, एक्चुअली ना इसके पीछे आपको मालूम पड़ेगा आगे जाके एक सरप्राइज आ रहा है रोटरी वाला, लेकिन इसको हमको ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा कुक कर लिए, इसे थोड़ा बहुत रहेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको पूरा फिल करके लेके जाएंगे जिधर भी जाएंगे नेक्स्ट। तो इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा जब से आए हैं बैंगलोर, एक हफ्ते के आसपास हो गया यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ख़त्म ही नहीं हो रहा ये। नहीं, अभी और 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का लग रहा है अभी। तो ये बॉईल होने के बाद ये सब वेजिटेबल डालेंगे, और आयुष्मान का देखो ये क्रिएटिव कॉर्नर, सब आयुष्मान जो कुछ भी कुछ बनाता है इधर डाल देता है। ये कम से कम 4-5 साल वाला है, कब से डाल रहा है? नहीं, अभी कोरोना से। ओ, कोरोना वाला, कोरोना टाइम पास है, 2 साल तो वैसे कोरोना भी तो होके 2 साल के ऊपर हो गया। ये देखो फिश टैंक साफ करने के लिए कितना टाइम लगा यार हमको, एकदम गंदा हो गया था एक्चुअली, वो साफ किए भी थे वो केटेगर हमारा एक बार। तो खट्टापन लाने के लिए ना ये वाला की बात कर रहा था, आंबुलो हम बोलते हैं, ड्राइड मैंगो है ये, कच्चा वाला मैंगो को काट के नमक वमक डाल के सुखा के ऐसा बनाते हैं। जनरली
हर स्टेट में ना अलग अलग वेज है खट्टापन लाने के लिए, जैसे कि साउथ में तामरिन, इमली, इमली, इमली भी होता है, और कोंकण में क्या लेके आए थे ना गोवा से हम भी कोकम, कोकम सॉरी कोकम यूज होता है कोंकण साइड में, केरला में भी थोड़ा बहुत यूज होता है, हमारा उड़ीसा में ये ड्राई मैंगो यूज होता है, इमली भी कभी कभार यूज करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, ये थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग होना शुरू हो गया, उबल गया पूरा। सारे वेजिटेबल भी डाल देते हैं सिर्फ बाद भिंडी को छोड़ में, के। हाँ 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 भिंडी थोड़ा सा मैं फ्राई कर दूंगी हाँ उसके बाद डालूंगी, नहीं तो वो पूरा क्या हाँ ये स्लैंग बोलते स्लैंग हैं। जैसा हो जाएगा हाँ पूरा। हाँ हाँ एक आधा चम्मच के करीब हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, फिर इसको छोड़ देंगे 10-15 मिनट। हाँ ढक्कन लगाए थे। हाँ ढक्कन लगा के। एक्चुअली इसमें एक तो आप ब्रोकन राइस छोटा छोटा, उस हम उड़िया में बोलते हैं खुद्दो, वो ब्रोकन राइस डाल सकते हैं, ये वेजिटेबल के साथ सब कुक होगा। अगर ब्रोकन राइस नहीं है तो आप कुकुड कुकुड राइस भी राइस थोड़ा सा थोड़ा खस मास, थोड़ा सा मतलब वो उसको दाना दाना दिखना चाहिए, राइस ऐसा पूरा पेस्ट जैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हाथ में मसल के कुकड़ वाला राइस उसके साथ भी पका सकते हो। पहले वेजिटेबल पकने दो, उसके बाद थोड़ा बाद वो राइस को हम मसल के डाल देंगे। ऑथेंटिक वे में खुद डाला जाता है, जो कि ब्रोकन राइस वेजिटेबल के साथ दोनों मिलके पकता है उसके साथ। और आप सोच रहे हैं हमारे पास अगर ये नहीं है ड्राइड मैंगो नहीं है तो कैसा करें, लोग तो लेमन डाल के भी करते हैं, मुझे लगता है ये डाल के बना सकते हैं। ये तामरिन जनरली बनता तो नहीं है, नहीं इमली तामरी का वाटर से नहीं बनता है एक्चुअली, ट्रेडिशनल वे में तो ड्राइड मैंगो ही है, शायद मिल जाएगा आपको मार्केट में ढूंढने से, बहुत सारा वे में बनता है ये एक्चुअली। जो साग रहता है ना, कौन सा भी साग से ये बनाते हैं, इवन जो स्प्रिंग ऑनियन होता है प्याज वाला साग, उससे उसमें से भी बनता है, बहुत सारा वेराइटीज रहता है ये कांजी का। मेन कंपोनेंट है खट्टा बनाना चाहिए वेजिटेबल के साथ या साग के साथ, कोई भी वेजिटेबल, तो ये मेन कंपोनेंट है, मतलब ये बोलते हैं ना होलसम मील है, मतलब राइस भी है, कार्बोहाइड्रेट है, सारे वेजिटेबल्स वेजिटेबल सब रहता है, तो डायरेक्टली आप ये कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन हम जनरली राइस के साथ खाते हैं इसको, जैसे कि दाल या सांभर डालते हैं ना वैसा टाइप हम खाते हैं इसको। बोला था ना मैंने वो भिंडी को थोड़ा सा हल्का सा ही फ्राई करके वो कांजी में डाल देंगे। तो ये पूरा ऐसे ही रहेगा, नहीं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। कम से कम 15 मिनट हो गया ना उबल रहा है ये, हाँ ऑलमोस्ट डन, मतलब 80% डन। पूरा हाँ वेजिटेबल बॉईल हो गया। अभी डाल देती हूँ मैं ये ये कुकड राइस। राइस को हाँ थोड़ा हाथ में ये करके, हाँ मास करके। वैसे ऑलरेडी कुक्ड हो गया है तो लिटिल बिट ओवर कुक्ड राइस, ये भी डाल देंगे ना टमाटर हाँ और टमाटर ड्राई और मैंगो ड्राई अम्बुलो। मैंगो फिर ये और कितना, और 10 मिनट, 10 मिनट और 8-10 मिनट। टमाटर पिघल जाएगा है ना, जब पूरा टमाटर को हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा काम भी। और एक मेन चीज है भिंडी डालना देना। भिंडी भी तो है। देखो आयुष्मान ना हाथ नहीं लगेगा तो नहीं होता है कुछ भी, क्लास खत्म हो गया तो क्लास आ खत्म हो गया। गया तो आ गया हाँ टाइम पास के लिए। ये तो फ्राई किया हुआ भिंडी भिंडी। ये डाल दिए, और मेन तड़का वो तड़का ही तो मेन है इसमें। वो कड़ी पत्ता, लहसुन, मेथी और सौंफ, उसका तड़का लगेगा जब ये बन जाएगा, और 10 मिनट के बाद। तो ये भी 7-8 मिनट पूरा हो गया, पिघल गया है देखो, पूरा हाँ सॉफ्ट हो गया टमाटर, पूरा येलो ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन। कलरफुल कलरफुल। तो अभी ये करेंगे तड़का लगाएंगे फिर डन। तड़का के तड़का लिए ये जीरा सरसों, जीरा जो सरसों
मेथी और ये सौंफ, सौंफ, करी पत्ता और चिल्ली, सूखी मिर्च, ये थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा वाला चीज में थोड़ा कलर तो अच्छा रहता। हींग, थोड़ा हींग डालना ना, हींग जरूरी है। खुशबू खट्टा वाला कॉम्बिनेशन मतलब जबरदस्त। में तो तड़का ही नहीं है। कांजी एक्चुअली ना ऐसा नहीं डालते हैं, इसके लिए ना एक प्लेट टाइप ये चाहिए, बर्तन बर्तन। हाँ ये देखो आयुष्मान खुशबू लेने की कोशिश कर रहा है उसको, कैसा खुशबू है। खुशबू तो बढ़िया है, टेस्ट पता नहीं कैसे कर लेते हैं, अभी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ ये वाला बर्तन अभी सही दिखेगा, पूरा टेक्सचर अरोमा ना सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। हमने ना मिस कर दिया वो लहसुन डालना। हाँ एक्चुअली वो लहसुन ना जब तड़का लगाए, लहसुन का भी तड़का जरूरी है, इसलिए बाद में हम थोड़ा सा फ्राई करके डाले, वो एक्चुअली गलती हो गया थोड़ा। राइस के ऊपर डालते हैं थोड़ा। चलो टेस्ट करते हैं यार। ओहो गर्म, काफी ज्यादा गर्म है। टेस्ट, क्या खट्टापन है यार, और ये ऐसे ही खाने का ना हाथ में फील आना चाहिए, वो साउंड भी आना चाहिए। अब फिर गया यार, मजा जो चीज करो पूरा मजे से करो, शर्माना नहीं, खाने में क्या शर्मा। मजा आ गया, घर में खाए थे मम्मी के हाथ से, फिर अच्छे से सिखाए, फिर बनाए हमने। बढ़िया सा खाना आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, कांजी। खाना पीना हो गया, आयुष्मान का एक्टिविटी कुछ ना कुछ शुरू हो गया, वो पेंट कर रहा है ये ना कुछ तो एक्टिविटी, पीओपी टाइप, पीओपी टाइप का उसका पूरा आया था कलर फलर ये सब करके कलर कर रहा है मूर्ति को, गणेश जी का मूर्ति है। और भी है दो, एक सन एंड मून और एक क्या है वो वाला, बनाना, बनाना नहीं वो थोड़ा सा कथक। हाँ कथक मतलब कुछ तो ट्रेडिशनल टाइप कुछ है वो पेंटिंग। ओके उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये आज का ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, हमने तो घूमने जा नहीं रहे किधर, और आपके रिक्वेस्ट से मैंने ये ब्लॉग बनाया। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।